एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। जी हाँ, ऐसे ही नारों के साथ 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाता है। बेटमा में भी विश्व आदिवासी दिवस के इस खास अवसर पर एक विशाल वाहन रैली निकाली गई, जो बदीपुरा बालाजी से शुरू होकर देपालपुर में संपन्न हुई, जहां विशाल सभा का आयोजन किया गया। यात्रा में कुछ समाजजन विशेष पारंपरिक परिधानों में नजर आए, जो आकर्षण का केंद्र रहे। आदिवासी दिवस को पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 1994 में प्राथमिक बैठक के दिन यह घोषित किया गया था। ऐसा माना जाता है कि आदिवासी के कारण आज भी पर्यावरण और संस्कृति जिंदा है। इनके पसीने से आज भी कई बड़ी इमारतें चंद महीने में खड़ी हो जाती हैं। बैटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। हमो का यूनो द्वारा विश्व आदिवासी दिवस घोषित है सर, और आज हमने सभी समाज जन ने विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष में आज विशाल महारैली का आयोजन किया गया है। इसके पश्चात देपालपुर में महासभा का भी आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे महापुरुषों के बारे में बताया जाएगा और हमारे आदिवासियत जल जंगल जमीन क्या है इसके विषय में भी सभी हमारे बुद्धिजीवी बताए जाएंगे। बाइक रैली यहाँ से कहाँ तक जाएगी और क्या क्या योजना है बाइक रैली को? ये बाइक रैली यहाँ से बेटमा नगर भ्रमण करेगी, यहाँ से सीधा अटौदा और आगरा होते हुए देपालपुर में नगर भ्रमण करेगी। देपालपुर में वहाँ कोई विशेष आयोजन या कोई वहाँ पे सभा का आयोजन रखा गया है और वहाँ पे हमारे विशेष अतिथि भी आए हुए हैं, वो सभी समाज जन को संबोधित करेंगे। आपका नाम बताओ? ललित मकवाना, सामाजिक कार्यकर्ता। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।